नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं, जो एहसान मनी की जगह लेंगे। एहसान मनी ने बुधवार यानी कि 25 अगस्त को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पद से इस्तीफा दे दिया है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि शायद उनका कार्यकाल एक साल और बढ़ाकर 2022 किया जा सकता है, मगर उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अब और बने रहने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के संरक्षक इन चीफ भी हैं, ने अपने पूर्व साथी राजा को पद संभालने के लिए हरी झंडी दिखाने के बाद निर्णय लिया है। रमीज राजा ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को 23 अगस्त को अपनी योजना सुनाई थी, जिसके बाद 3 दिनों के बाद इस फैसले को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राजा, जो पीसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी थे, ने गुरुवार को कहा, इसका उद्देश्य पाकिस्तान क्रिकेट जीपीएस को रीसेट करना है और उत्कृष्टता की खोज में होगा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट को एक नई दिशा की ज़रूरत है, क्योंकि तीनों प्रारूपों में हमारी रैंकिंग में संकेत मिला है कि हमारा क्रिकेट उस तरह नहीं सुधर रहा जैसे प्रधानमंत्री चाहते थे। रमीज राजा, जो इस वक्त एक प्रसिद्ध कमेंटेटर हैं, 80 और 90 के दशक में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रमुख सदस्य हुआ करते थे। उन्होंने बतौर खिलाड़ी कई सालों तक पाकिस्तान क्रिकेट की सेवा की है और अब वो यही काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनकर करना चाहते हैं। अंतिम निर्णय पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा लिया जाएगा, जिन्हें अध्यक्ष का चुनाव करना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।